चलिए, आज की क्लास में अगेन मैं फंक्शन को ही कंटिन्यू करूंगा। ये हमारा तीसरा सेशन है फंक्शन के अंदर। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब कभी कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तब भी यहां पर वह रिटर्न नन करता है। क्या करता होगा? नन। वह कैसे करता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। कैसे चीजें हैं सर, इसमें देखिए एक बार आप। When function return nothing, that time it returns none. ये क्या रिटर्न करता होगा बेटा? नन रिटर्न करता है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं, उससे आपके सारे डाउट ये क्लियर हो जाएंगे। ये अज्यूम कर लिया गया है कि पाइथन ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल्ड है, तो मैंने इस प्रोग्राम के सिर पर राइट क्लिक किया है और यहां पे एडिट विद आइडल हम यहां पर आ गए बेटा। इतना कुछ करने के बाद यहां पर देखिए, पहले तो आप फंक्शन बनाने का तरीका समझो। डेफ एक कीवर्ड होता है, डेफ इज द कीवर्ड का नाम और ये हमारा माई फंक है। डेफ इज द कीवर्ड का नाम और ये मेरा क्या है? फंक्शन है। और यहां पर आके मैंने सिंपल इसके अंदर क्या लिखा? हेलो दिस इज मिथ ब्रेकर। एक कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया यहां पर फंक्शन की बॉडी, या जब भी कभी आपको कोई ब्लॉक बताना होता है उसके लिए हम यहां पर कोलन का साइन लगाते हैं। अब देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा। मैं यहां पर एक्चुअली आपको एनोटेट करके दिखाता हूं। यहां से हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फ्रॉम हियर। पता कैसे चलता है भाई? देखो, ये भी जीरो इंडेंट है और ये भी जीरो इंडेंट है, यानी कि लेफ्ट वाली दीवार से चिपका हुआ है। जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो ये राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट। यहां से हमने माई फंक को कॉल किया, यहां पर आए और यहां पर एक मैसेज प्रिंट हुआ होगा बेटा, हेलो दिस इज मिथ ब्रेकर। अब हमने यहां पे कुछ रिटर्न तो नहीं किया है, फिर भी रिटर्न क्या हुआ होगा? नन। और उसका भी एक डेटा टाइप होता है नन टाइप। जो वैल्यू आई होगी बेटा वो आरईसी में आके स्टोर हो गई होगी। आरईसी का मतलब होता है रिसीव। यहां पर नन प्रिंट हुआ होगा, बीच में डैश डैश आया होगा और यहां पर उसका डेटा टाइप आ गया होगा। सो हाउ वी डू इट, कैसे कर पाएंगे? यहां से रन पर क्लिक किया और हमने रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दिया, देन क्लिक ऑन ओके बटन। हमने ओके बटन पर क्लिक किया। अब आप खुद देखिए क्या मैसेज आ रहा है भाई, क्या मैसेज आ रहा है यहां पे? हेलो दिस इज मिथ ब्रेकर, हेलो दिस इज मिथ ब्रेकर। और उसके बाद यहां पर क्या दिख रहा है? ये नन। और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? नन टाइप। इस क्लास ब्लास में आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अभी इस क्लास में आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये बात आपको मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। हेलो दिस इज मिथ ब्रेकर, ये नन है। और यहां पर जो क्लास का जो टाइप है, क्लास का जो टाइप है विच इज व्हाट? नन टाइप। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये नन है और दिस इज दी नन टाइप। सो ये अपने आप में एक टाइप ऑफ मिरेकल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले अगर आपने सी वगैरह पढ़ा हो तो वहां पर जब कभी कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता था तो वहां पर हम रिटर्न टाइप उसका void बताते थे, void। ये चीज अपने आप में इसमें नई है। तो आपको इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से बता दूं, व्हेन फंक्शन रिटर्न्स नथिंग दैट टाइम इट रिटर्न्स व्हाट? नन। तो कोई पूछ सकता है भाई, जब यहां पर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो क्या रिटर्न करता है? देखिए सेंटेंस बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है, सेंटेंस बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है, बट आपको यह समझना पड़ेगा कि वो क्या रिटर्न कर रहा होगा बेटा। सो क्या रिटर्न कर रहा होगा? नन। और
उसका जो डेटा टाइप होगा, उसका जो डेटा टाइप है विच इज वॉट नन टाइप, उसका जो डेटा टाइप है वो कैसा है बेटा, नन टाइप है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये टॉपिक मैंने यहीं की यहीं खत्म कर दिया है। अगला एक अलग से सेपरेट टॉपिक है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यूनिक सा फीचर है, आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन में 5 पैरामीटर है, देयर आर 5 पैरामीटर्स वी हैव इन दैट। उसके अंदर कितने पैरामीटर होंगे बेटा, 5 पैरामीटर्स। अब मान के चलिए, अब ये मान के चलिए कि उसमें से आपने 3 पैरामीटर में वैल्यू दी, 3 पैरामीटर में वैल्यू दी और 2 में आपने वैल्यू नहीं दी। जैसे मान के चलिए मैं आपसे सिटी नहीं पूछना चाहता आपकी, मुझे पता है बाय डिफॉल्ट यू ऑल आर फ्रॉम आगरा, तो जब मैं आपसे सिटी ना पूछूं तो बाय डिफॉल्ट उसमें आगरा आ जाना चाहिए। बट कोई बच्चा ऑब्जेक्ट कर रहा है, नहीं सर आई एम नॉट फ्रॉम आगरा, तो मैं उससे ये कहूंगा कि आप अपनी सिटी का नाम डाल दीजिए, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तब पिक्चर में आते हैं जब आप वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे यहां पर बोल रहा हूं मैं आपसे, अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अज्यूम्स अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ अ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड। जब हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते हैं इन द फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट। सो जैसे ये मेरा एक फंक्शन है बेटा डेफ सम, और यहां पर हमने कितने पैरामीटर लिए, 3, ए बी सी। और देखिए यहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे रखी है वो किस में दे रखी है बताया, तो मैं सी में। यानी कि अगर हमने सी में वैल्यू नहीं दी तो वो उसे 0 मान लेगा। क्या मान लेगा, 0। इस फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया है बेटा, एक बार हमने 2 ही वैल्यू डाली है, तो मैं अगर आपको इसे एनोटेट करके अगर आपको दिखाऊं, एक बार इसे डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, आप प्लीज देखें। जैसे जो 10 है ना, 10 जो ये वाली वैल्यू है वो ए में आ गई होगी, जो हमारी बी वाली जो 20 है, 10 तो आ गया ए में और 20 किस में आ गया होगा बेटा, बी में। हमने जिसमें तो कोई वैल्यू नहीं डाली है तो सी में, इस केस में क्या होगा, 0। यहां पे वैल्यू जुड़ गई, 10 प्लस 20 30 होता, 30 प्लस 0 30 होता, तो एस की वैल्यू इस केस में पहले राउंड में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा, समर्थ। उसके बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर हमने 10, 20, 30 तीन वैल्यू डाली, हमने कितनी वैल्यू डाली है बेटा, 3 वैल्यू इसके अंदर डाली, तो क्या होगा भाई, आई हैव स्टोर्ड 3 वैल्यूज। तो आप मेरा विश्वास करिए जो 30 है वो इस 0 वाली जगह पर आ जाएगा। यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू तभी पिक्चर में आती है, डिफॉल्ट वैल्यू तभी पिक्चर में आती है जब आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं। दूसरे राउंड में इसका जो आंसर होगा ना वह कितना होगा बेटा, 60 होगा। उम्मीद करूंगा ये आप एक बार करके देखेंगे, मैं आपको कोई दूसरा प्रोग्राम इसके ऊपर पढ़ाऊंगा आगे चल के, राइट। यस, योर आंसर इज करेक्ट। सो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिफॉल्ट आर्ग डेमो, डिफॉल्ट आर्ग डेमो, एक बार आपको इस प्रोग्राम से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सी दिस, दिस डेमो इज फॉर दिस
डेमो इज फॉर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब आप देखना फंक्शन का नाम क्या बेटा, प्रिंट इंफॉर्मेशन। आपने यहां पर एज में क्या दे रखा, 35। जब कभी कोई इंसान एज नहीं डालेगा तो उसकी एज को 35 मान लिया जाएगा। बट आपने आपने क्या किया भाई, नाम में तो डीडी डाला और एज में क्या डाल दिया, 50। तो पहले राउंड में जब हम पहले राउंड की बात करेंगे तो यहां पर नेम इज इक्वल टू, जो यहां पर जो नाम प्रिंट होगा बेटा, जो यहां पर जो नाम प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट हो जाएगा पता है तुम्हें, डीडी। और जो एज है वो क्या आ जाएगी, क्योंकि आपने 50 डाला है, 35 इज रिप्लेस्ड इन दिस केस, और यहां पर जो एज आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 50 आ जाएगी। बट दूसरे वाले केस में अगर आप देखें, हमने तो डीडी ही डाला है, दूसरे वाले केस में एज जो है वो 35 आएगी, यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफॉल्ट वैल्यू, वो डिफॉल्ट वैल्यू पिक्चर में कब आती है, डिफॉल्ट वैल्यू पिक्चर में तब आती है जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जो 35 है, आई एम टॉकिंग अबाउट 35, वो हमारी दूसरे केस में आ रही है, वह है हमारी कौन से केस में आ रही है, दूसरे केस में। आई होप आपको मिल, यस कृष्ण, कृष्णा यू आर करेक्ट, जब हम कोई वैल्यू नहीं देंगे उस केस में, उस केस में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो जाता होगा बेटा, एक्टिव हो जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। डेफ डिफॉल्ट अंडरस्कोर परम, डिफॉल्ट अंडरस्कोर परम, यहां पे ए बी और सी, ये तीन पैरामीटर मैंने आपको बताए। अब देखिए इनमें दो में वैल्यू दे दी भाई। अब हमने यहां पर नोटिस करिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कौन सी चीज फंक्शन के अंदर होती है और कौन सी नहीं होती है। इस फंक्शन में बस यही वाली चीज है, दिस वन, ये क्यों नहीं, क्योंकि ये तो बराबर की टक्कर के लोग हैं ना, तो ये इसके अंडर में है ही नहीं। अब इस प्रोग्राम को समझना कहां से शुरू करें, इस वाली जगह से। जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं भैया, यानी कि ये चीज हमारी पहले चलती है। तो जो तीन है ना, तीन, वो तीन हमारा किस में आके स्टोर हो गया, ए में। जो हमारा तीन है, तीन वह हमारा किस में आके स्टोर हो गया बेटा, ए के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। बी में तो ऑलरेडी वैल्यू आ गई, सी में अपने आप वैल्यू आ गई। अब आप इसे एडअप करिए, 3 + 4 कितना होता है, 7, 7 + 5 कितना होता है, 12। तो रिटर्न करा रहे ना, रिटर्न, तो भाई साहब वहां से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई वो 12 आई होगी, वो किस में आके स्टोर होगी, प्लीज, जो रिटर्न होकर वैल्यू आती ये तो हट गया होगा उस जगह से, और यहां पर क्या आ गया होगा, 12, और वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो जाती, इस रिजल्ट के अंदर आके। और इसे, इसे में यहां पर क्या करा दूंगा बेटा, प्रिंट करा दूंगा। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में जरूर आया हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन्हें आप करके जरूर देखें। देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है, जो ये प्रोग्राम है ना ये गलत है। अब इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है ये मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। जब भी कभी आप कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज आप देंगे, जब भी कभी आप यहां, तो आपको सीक्वेंस में वैल्यू देनी होती है, आप वहां पे पार्शियलिटी नहीं कर सकते भाई। आप उस जगह पर क्या नहीं कर सकते, पार्शियलिटी नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाई पार्शियलिटी, आप पार्शियलिटी से क्या समझते हैं, कि हमने ए को वैल्यू दे दी बी को नहीं दी। अगर आपने शुरुआत में जहां से भी डिफॉल्ट वैल्यू देना शुरू कर दिया, फिर उसके आगे जितने भी, उसके आगे जितने भी पैरामीटर्स होंगे, उसके आगे जितने भी हमारे पैरामीटर्स होंगे, उन सब में आपको वैल्यू देनी होगी। उसमें सारी चीज में फिर आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा, वैल्यू देनी पड़ेगी।
दैट्स इट। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए और यहां पर आके इस सम को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब देखिए, आप खुद देखिए, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, आपको यहां पे v इक्वल टू भी जीरो देना पड़ेगा भाई। सो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको कुछ फेर बदल इसके अंदर करने पड़ेंगे। तो अभी तक मेरी समझ में हमने दो चीजें पढ़ ली, एक नन टाइप पढ़ लिया और एक मैंने आपको इसके अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा दिया है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा दिया है। अब मैं आपसे बात करूंगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। मैं आपसे अब इस समय किसकी बात करने वाला हूं आपसे, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स से क्या समझते हैं वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब बता रहा हूं। मान के चलिए कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम कैन बी एनीथिंग। जैसे मैंने लिखा, मेरे फंक्शन का नाम है मान के चलो प्रिंट इन्फो। व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन का नाम? हमारे फंक्शन का जो नाम है, फंक्शन का नाम वह बेसिकली प्रिंट इन्फो है। और इसमें हमने दो पैरामीटर बना दिए, नेम बना दिया और दूसरा हमने क्या बना दिया, एज। यहां पर फिर जो भी रामायण आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। अब जब भी कभी मैं इसे कॉल करूंगा तो मुझे इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा भाई, प्रिंट इन्फो, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे सकता हूं। जैसे मैंने यहां दे दिया डीडी और यहां पर मैंने अपनी एज को सप्लाई कर दिया विच इज 40। ये तो मामला हो गया सीधा सीधा। बट मान के चलिए जिस ऑर्डर में, यहां पर मैं ये पॉइंट बताऊंगा कि जिस ऑर्डर में आपने इस पैरामीटर को दिया है, आप उस ऑर्डर में वैल्यू डालना नहीं चाहते भाई। जिस ऑर्डर में आपने यहां पर जो पैरामीटर दिए हैं, पैरामीटर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डर, उस ऑर्डर में हम वैल्यू सप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम नहीं करना चाहते हैं, सॉरी, जैसे मैं पहले एज डालना चाहता हूं तो क्या करूं? जैसे मैंने कहा भाई प्रिंट इन्फो और यहां पे लिख दिया 40 और यहां पे लिख दिया डीडी। अब क्या होगा पता है तुम्हें? यहां गड़बड़ क्या होगी, ये जो 40 है ना, 40 वो तो चला गया होगा नेम में, और जो डीडी है, डीडी वो किस में चला गया होगा, एज में, विच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यहां पर बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट पिक्चर में आते हैं। अगर आपने इस फंक्शन को कैसे कॉल कराया होता, मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, प्रिंट इन्फो, और यहां पर आप लिखते कि एज इज इक्वल टू 40 कॉमा नेम इज इक्वल टू, और मैंने यहां पर मान के चलो लिख दिया समर्थ। क्या लिख दिया बेटा? समर्थ। एज इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 40, और नेम इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया बेटा, समर्थ। इसी को बेसिकली हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इससे क्या होगा, ऑर्डर फिर कुछ भी हो, हम जिस क्रम में वैल्यू डालना चाहेंगे उस क्रम में वैल्यू डाली जा सकती है। यानी कि आप ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं। इस केस में ऑर्डर कौन डिसाइड कर सकता है? आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि when we call a function with some values, these values get assigned. When we call a function with some values, these values get assigned to the argument according to their position. हमने कोई भी function call कराया, when we call a function with some values, these values gets assigned to the arguments according to their what? According to their position.
according to their what position. Python allows functions to be called using the keyword arguments. ये मैं आपको practically ही करके दिखा रहा हूं, जहां पर देखो नेम लिखा और मैसेज. अब देखिए आप सिंपल सिंपल डालेंगे ना, तो जो हमारा देव है, देव जो ये वाली चीज है, वो देव तो चला गया होगा नाम में, और जो गुड मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग, वो किस में चला गया होगा, एमएससी के. आप चाहते तो यहां पर ये कीवर्ड आर्गुमेंट होता. देखिए ये नॉनसेंस है बट लीगल है, कि जब आप नेम इज इक्वल टू देव और मैसेज इज इक्वल टू हाउ डू यू डू लिख रहे हैं, वो तो उसी क्रम में था. इसका मजा कहां पर है बताए, कीवर्ड आर्गुमेंट का, जब आप गिवन पैरामीटर के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं. देखिए मैंने मैसेज में क्या दे दिया है बेटा, हाउ डू यू डू, और नाम में मैंने क्या लिख दिया, देव. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नाम ले लेकर वैल्यू डाल रहे हैं ना, आप उसमें नाम ले लेकर वैल्यू डाल रहे हैं ना, दैट्स इट. तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कीवर्ड आर्ग डेमो एक बार समझते हुए चलते हैं. चलिए कीवर्ड आर्ग डेमो, आप यहां आए, दिस डेमो इज फॉर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. ये जो डेमो है ना भैया, दिस डेमो इज फॉर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. ये मेरा ग्रीट नाम का मेथड है, दिस इज माई ग्रीट नाम का मेथड. अब यहां पर आइए आप लोग, देव, समझ रहे हैं आप, देव. I'm talking about this. इसे चला के देख लेते हैं, समझा तो दिया ही है. मैं इसे आइडल में ही ओपन करता हूं बेटा एक बार, यहां से मुझे फिर कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को चलाना पड़ता. रन करा दीजिए, एक शॉर्टकट होता है इसका F5. देख रहे हैं आप तीनों बार सेम आंसर आ रहा है, बट तीनों बार फंक्शन को कॉल कराने का हमारा तरीका बदल गया है. यहां पर हमने डायरेक्टली, अब आप देखिए, आपको कोई भी पुरानी नॉलेज अगर होगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसके अंदर दिस वन, देव गुड मॉर्निंग, नेम इज इक्वल टू दिस, एमएससी इज इक्वल टू दिस, ये वाला क्रम, ऑर्डर को चेंज कर लिया ना हमने यहां पे. तो ये तीसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज नोन एज द कीवर्ड आर्ग डेमो. कीवर्ड आर्ग डेमो, एक पॉइंट और पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैं अभी, विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. क्या है वो देखिए आप एक बार, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. व्हाट इज द टॉपिक का नाम, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. मान के चलिए आपको यही नहीं पता कि आप कितनी वैल्यू इस फंक्शन में सप्लाई करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, नहीं पता आपको. हमें ये तो पता है कि वैल्यू सप्लाई होंगी, पर हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि उसमें वैल्यू कितनी सप्लाई होंगी. हु नोज इट, ये कौन जानता है. तो इसका मैं आपको जवाब ये दूंगा, इसका मैं आपको ये जवाब दूंगा कि उस जगह पर ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट पिक्चर में आता है. यू मे नीड टू प्रोसेस अ फंक्शन फॉर मोर आर्ग्यूमेंट देन यू स्पेसिफाइड. हमने जितने स्पेसिफाई किए उससे ज्यादा वैल्यू हम डाल दें, बड़ा सरल है भाई. जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं इनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, बट जहां कहीं भी आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू पास होंगी, तो यहां पर एक वेरिएबल बना देना, बट उससे पहले स्टार लगा देना, बस क्या लगा देना, स्टार. एन एस्टरिक इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम. वेरिएबल के नाम से पहले आपने स्टार लगाया, दैट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ ऑल नॉन कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स. This tuple remains empty
इफ नो एडिशनल आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। जैसे देखिए ये डेमो जो है वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट से रिलेटेड है, यहां पे हमने नंबर्स लिखा और उससे पहले हमने एक स्टार लगा दिया, इसका मतलब मेरा मन है मैं वैल्यू डालूं डालूं नहीं डालूं, इट डिपेंड्स। तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा आपको मैं डेमो पढ़ाऊं, विद द हेल्प ऑफ दैट यू वुड अंडरस्टैंड द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। और मैं तो एक चीज जानता हूं भाई, आपको जब ये न पता हो कि कितनी वैल्यू सप्लाई होंगी तो आप ये समझ लेना उस जगह पर हमें वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज करना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर एक फंक्शन है बेटा प्रिंट वैल्यू, अब एक वैल्यू तो आपको पक्का पक्का डालनी ही पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी भाई? क्योंकि एक वैल्यू ये फॉर्मल आर्गुमेंट दे रखा है, इसे फॉर्मल कहते हैं, जहां से वैल्यू हम डालते हैं कोमल समर्थ, जहां से हम लोग ये वैल्यू डालते हैं प्रतीक्षा, जहां से हम ये वैल्यू डालते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जहां ये वैल्यू जाती है उसको फॉर्मल कहते हैं। तो एक वैल्यू जो डाली वन वो तो आ गई, इसमें इसे प्रिंट करा दिया। ये वाली चीज जो होती है ना वो टपल फॉर्म होती है, वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग डियर, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप इसे टपल कर लीजिए, वेर टपल टी यू पी एल ई। तो भाई साहब इस केस में क्या हो रहा है देखिए, F5 प्रेस करिए आप, सी आंसर इज व्हाट वन, इससे आप कमेंट बना दीजिए, हम यहां आए और यहां पर हमने क्या डाला 1 2 3 4, ये वाली चीज है कुछ 1 2 3 4, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इस समय इसकी बात कर रहा हूं आपसे 1, 2, 3, 4। अब आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा एनोटेशन के वाया सी। अब जो वन है वन वो तो चला गया होगा आर्ग वन में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जो ये वैल्यूज है ना हमारी 2, 3, 4, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री वैल्यूज 2, 3, 4, जो ये वैल्यूज है हमारी वो हमारी किसके अंदर आ गई होंगी बेटा, इस वेर टपल के अंदर। बिलीव मी ये लूप है, लूप का सिंटेक्स शायद मैं आपको बता चुका हूं, अपने आप एक एक वैल्यू इसमें आती जा रही होगी भाई, पहले 2 आया होगा उसे प्रिंट करा दिया। देखिए यहां पर जब आप कुछ नहीं लगाते तो वो न्यू लाइन होता है, बट अब ये एक ही लाइन में दे देगा क्योंकि आपने बोला है कि एंड में स्लैश टी लगा देना, क्या लगा देना स्लैश टी, स्लैश टी इज व्हाट टैब करेक्टर, एक बार चला के दिखाता हूं आपको मैं, रन कराएं सी 2, 3, 4, ये आंसर हमारा सेम लाइन में आ रहा है ना, वाई इट इज कमिंग इन द सेम लाइन, आपका ये चीज सेम लाइन में क्यों आ रही है समझे आप, ये प्रिंट बी है, अरे प्रिंट वैल्यू यहां पर मैंने कहेगा 1, 2, 3, 4, ये वैल्यूज मैंने यहां पर सप्लाई की है राइट, और इन वैल्यूज को हमने कहां पर डाल दिया आर्ग वन के अंदर, सॉरी ये जो वन है वो चला गया होगा आर्ग वन में, और जो 2, 3, 4 है वो हमारा किस में चला गया, वेर टपल में। अब देखो यहां पर सेलेस्टी नहीं लगाया ना, इसमें बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में आती है चीजें। देखिए अब ये आंसर ऐसे क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि आपने खुद ये कहा है कि एंड एंड आपने लगाया नहीं, जब हम एंड नाम का पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो न्यू लाइन को मानता है, किसको मानता होगा बेटा न्यू लाइन को। इसको अनकमेंट करिए आप, कमेंट का साइन इसमें इस तरीके से होता है, जो जो 2, 3, 4 है ना, 2, 3 और 4, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन 2, 3, 4, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इस समय इसकी बात कर रहा हूं आपसे।
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो जो ये वैल्यू है ये वाली, वो वैल्यूज हमारी किसके अंदर आ गई होंगी बताइए, वेयर टपल के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, वो सारी वैल्यूज हमारी किसके अंदर आ गई होंगी बेटा, इसके अंदर। आई होप आपको ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की कहानी थोड़ी बहुत शायद जरूर समझ में आई होगी। ऐसे मेरे पास और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप ये दूसरा प्रोग्राम देख लीजिए आप एक बार, सी। अब यहां पर एक ही पैरामीटर है दिस वन, इसका मतलब ये अब जीरो और मोर वैल्यूज ले सकता है। कितनी वैल्यूज लेगा बेटा, जीरो और मोर वैल्यूज। मैं एवरेज निकालने की बात कर रहा हूं, हमने कितनी वैल्यू डाली यहां पे बताइए, हमने यहां पर कितनी वैल्यू डाली, हमने यहां पर तीन वैल्यू डाली है बेटा, ऑल थ्री। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो जो 10 है 10 वो यहां पे आया, जो 20 है वो भी यहीं आया, और जो 30 है 30 है वो भी यहीं पे आया। सारी वैल्यूज हमारी इसी जगह पर आ गई नंबर्स में, अपने आप एक एक वैल्यू इसमें स्टोर होती जा रही है। सबसे पहले 10 आया होगा इसमें, जुड़ता चला गया। यहां पे चाहो तो आप वेरिएबल बना लो ना, सम नंबर्स में से ये सारी वैल्यू यहां आ गई, नंबर्स में से 10 आया, 10 जुड़ गया, सबसे पहले 10 लिख लिया, लूप चल रहा है ना। अगली वाली वैल्यू कौन सी, 20 है, 20 आई इसमें, फिर 20 जुड़ गया, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। अगली बार फिर 30 आया, 30 यहां से निकलकर इसमें आया होगा, फिर 30 प्लस 30 ये वाली चीज हट गई और यहां पर क्या हो गया, 60 हो गया। एक रेडीमेड फंक्शन था हमारे पास लेन, जो लेंथ बता देता, नंबर्स की लेंथ कितनी थी 3, नंबर्स की जो लेंथ थी क्या थी 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 0 ना, 3 0 के बराबर तो नहीं होता, तो यहां पे एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, सम डिवाइड बाय, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, सम डिवाइड बाय लेंथ और ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया, नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर हैं विच इज 3 नंबर, काउंटिंग आ गई भाई, ये एवरेज निकालना तो सारे लोग जानते हैं, सम डिवाइड बाय जो काउंटिंग ऑफ द नंबर्स है। ये एल्स वाला पोर्शन कब चलता पता है तुम्हें, एल्स वाला जब आप इस फाइंड एवरेज को जीरो से कॉल करा लेते, एक बार देखना चाहिए आपको इसे, आप इसे रन कराएं प्लीज, रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल, आंसर आ रहा भाई सर 20.0। ये हमारा एवरेज प्रिंट करा दिया, बट मान के चलिए आप यहां पे कुछ भी सप्लाई नहीं करते तो क्या आता बताया था मैं, देयर इज नो नंबर्स फॉर एवरेज, और ये एवरेज वाली, ये वाली वैल्यू तो प्रिंट कराता, वो जीरो आ जाता उसमें। रन मॉड्यूल सी, एवरेज इज, There is no numbers for average. ये कैसे आया भाई, अब देखो रिटर्न ही तो करा रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड वैल्यू को वापस वहां भेज देता है जहां से इसे हमने कॉल कराया है। सो ये कहानी थी कुछ वेरिएबल आर्गुमेंट से रिलेटेड। ये किसी बच्चे ने आंसर दिया हुआ है, मैं नाम बताता हूं उसका, कृष्णवीर, ये आंसर गलत है, एवरेज इज 20 नहीं आएगा आंसर। एक्चुअली यहां पर कृष्णवीर ये समझ में आना चाहिए, जैसे क्या वैल्यू थी हमारी 10, 20, 30, अब ये ओवरऑल कितना बैठ रहा था आप बताइए, मैं इसे आपको बता दे, योर आंसर इज रॉन्ग। जब कोई पाइथन स्पेसिफिक चीजें देखेगा, कैसे गलत था बेटा, 10 प्लस 20 प्लस 30 जुड़ जाता वो कितना हो जाता भाई सर 60, और लेंथ से इसकी काउंटिंग निकल कर आ जाती विच इज व्हाट 3। बट यहां पे ऑपरेटर कौन सा यूज किया था हमने, डिवीजन। हमेशा ध्यान रखना डिवीजन का जो आंसर आता है ना, डिवीजन का रिजल्ट इन फ्लोट आता है, रिजल्ट किस में आता होगा बेटा, फ्लोट में, ध्यान रखना। सो एक बार चला के देखना,
देखिए 20.0, अगर आपको अपना वाला आंसर अगर चाहिए तो आपको डबल स्लैस लगाना पड़ेगा। कौन सा स्लैस आप लगाएंगे? डबल स्लैस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये मैं ऑपरेटर्स में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आई हैव टॉट इन ऑपरेटर्स। देखिए एवरेज इज व्हाट 20। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर और चीजें मैं आपको बताऊंगा।